हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप एक वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करके कैसे अपनी लोकेशन को, अपनी जो आईपी एड्रेस है उसको यानी कि चेंज कर सकते हैं, और आप किसी भी कंट्री के किसी भी लोकेशन के आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो शो नहीं होगा, और जो भी लॉग्स जहां भी क्रिएट होती है वहां भी आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेसेस नहीं जाएंगी। तो अगर आपको पता नहीं है कि वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे वर्क करता है, तो आप लास्ट मेरी वीडियो देख लीजिए इसके पहले वाली, क्योंकि आपको वहां पे सारी जानकारियां ये मिल जाएंगी। तो जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और आप मेरा चैनल चेकआउट भी कर सकते हैं, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है वीपीएन के बारे में। तो फिलहाल हम देखेंगे कि कैसे वीपीएन का यूज करके हम चेंज कर सकते हैं अपनी आईपी एड्रेसेस को, और मैं आपको ये बात क्लियर आउट करना चाहता हूं कि आप इस चीज का यूज कभी भी कोई इलीगल काम में ना करें, क्योंकि आईपी एड्रेसेस को स्पूफ करना, चेंज करना कोई इलीगल काम के लिए बिल्कुल ही ये एकदम से क्राइम है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। यानी कि आप अगर क्राइम करते हैं तो ऑब्वियसली क्राइम का जो रिजल्ट होता है वो आपको मिलेगा फॉर श्योर। तो वीपीएन का यूज आप सतर्कता से करें, आप किसी अच्छे पर्पज से करें, यानी कि अगर आपका कोई वेबसाइट ब्लॉक हो रखा है या फिर कुछ आप ऐसी चीजें एक्सेस करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं किसी छोटे मोटे काम के लिए तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दो बातें आती हैं यहां पे। पहली बात ये कि एक होता है फ्री वीपीएन, एक होता है पेड वीपीएन। फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूं। चलिए मैं अभी आपको एक वीपीएन ओपन करके देता हूं जो कि कैस्पर्स्काई का वीपीएन है। जब आप कैस्पर्स्काई टोटल सिक्योरिटी लाइसेंस परचेज करेंगे तो यहां पे आपको हॉटस्पॉट शील्ड का एक फ्री वीपीएन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये फ्री वीपीएन है। यहां पे जब आप वर्चुअल सर्वर से बहुत सारे कंट्रीज से सिलेक्ट करना चाहेंगे, यानी कि आप चाहते हैं अपने मनपसंद की कंट्री का आईपी एड्रेस या लोकेशन चेंज करना, आप चाहते हैं मेरा जो लोकेशन है वो रसिया का हो, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे या आपको लिमिटेशन का पॉपअप देगा, बोलेगा कि लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आपके पास पेड वीपीएन नहीं है, पेड वर्जन नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं मैनुअली चूज, आपको ऑटोमेटिकली ही करना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली खुद से जो भी कंट्री चाहेगा वो दे देगा। जैसे ऑटोमेटिक हम इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको खुद से कन्वर्ट करके आपको ऑटोमेटिकली किसी कंट्री से कनेक्ट कर देता है, आपके ऊपर नहीं है कि किस कंट्री से कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसने मेक्सिको से कनेक्ट फिलहाल कर दिया है, बट ये आपके हाथ में नहीं है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 MB ओनली ये प्रोवाइड करती है, यानी कि टोटल आप 300 MB से ज़्यादा वीपीएन कनेक्ट करके नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि ये आपको एक तो कंट्री लोकेशन पे भी रेस्ट्रिक्शन देती है, और दूसरी आपको आपके बैंडविड्थ पे भी रेस्ट्रिक्शन देती है कि अगर आप इतने MB या फिर इतने MB से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्पीड है कनेक्शन, इंटरनेट की स्पीड, वो कम हो जाती है, और बहुत सारे फीचर्स आइए आपको प्रोवाइड नहीं भी करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है फ्री वीपीएन का काम, जो कि एकदम फ्री में अवेलेबल होता है और कोई भी यूज़ कर सकता है। बात करते हैं कि अब पेड वीपीएन कैसे अलग है फ्री वीपीएन से। तो हम पेड वीपीएन में बहुत सारे वीपीएन है, हॉटस्पॉट सील का भी पेड वीपीएन आता है, वो उसके बाद साइबर घोस्ट का भी आता है, और भी बहुत सारे हैं, एयर वीपीएन आता है, प्योर वीपीएन आता है। तो मेरा जो फेवरेट है वो 4-5 वीपीएन जो है वो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको हमेशा यूज़ करता हूँ, उनमें से एक है प्योर वीपीएन। तो प्योर वीपीएन मैं आजकल फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको मैं पहले प्योर वीपीएन ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ये रहा हमारा प्योर वीपीएन, तो ये हमने प्योर वीपीएन ओपन कर लिया है। चलिए मैं अभी फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे फिलहाल मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये रहा प्योर वीपीएन। तो हमारे पास ये है प्योर वीपीएन, ये है फुली परचेज यानी कि फुली पेड वीपीएन। तो अब दोनों में डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। पेड वीपीएन में आप जो भी कंट्री चाहें अपने मनपसंद की कंट्री का लोकेशन और आईपी एड्रेसेस जान सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे, और आपको मैं दिखाता हूँ मेरी करंट आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे whatismyip.com पे चलेंगे, और यहाँ पे हम जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस जो है ये आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे आपको दिखा रहा है गुड़गांव हरियाणा, यानी कि ये इंडिया का ही आईपी एड्रेस है। अब बात करते हैं कि कैसे अपने लोकेशंस को आप चेंज करोगे, और पेड वीपीएन से करने पे क्या क्या प्रॉफिट आपको मिलती है। यहाँ पे जैसे ही मैंने प्योर वीपीएन का डैशबोर्ड ओपन करा तो यहाँ पे अब आ रहे हैं 100+ कंट्रीज, यानी 100+ कंट्रीज में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप कंट्री लिस्ट पे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज के लिस्ट दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कंट्रीज के लिस्ट हैं, आपको ये देखिए, आप जिस कंट्री से कनेक्ट होना चाहें आप कर सकते हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, अंगोला, पोर्टुगल, कोई सा भी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया,
साउथ कोरिया का है ऑब्वियसली, नॉर्थ कोरिया को आपको पता ही है कितना खतरनाक इंसान है वहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, हर कंट्री का है, आप जिस कंट्री से कनेक्ट होना चाहें कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल मेरा जो आईपी एड्रेस है आप देख सकते हैं गुड़गांव हरियाणा का यहाँ पे शो हो रहा है, और अब मैं वीपीएन से एक किसी दूसरे कंट्री के आईपी पे चेंज यानी कि कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यह है पेड वीपीएन, चलिए मैं सिंगापुर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सिंगापुर पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। सिंगापुर पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके यूजर एंड पासवर्ड को वेरीफाई करेगा, डीएनएस कैच करेगा, और उसके बाद आपके उस सिंगापुर के आईपी से कनेक्ट कर देता है। यहाँ देख सकते हैं यू आर नाउ कनेक्टेड टू प्योर वीपीएन आ चुका है, यहाँ पे सारे जो भी अनब्लॉक्ड हो चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन खत्म हो चुके हैं। यह आपको इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है यानी कि अनइनक्रिप्टेड डेटा आपको ऑन द वीपीएन नहीं भेजना है। और यहाँ पे जैसे ही आप फिर से ओपन करके व्हाट इज माय आईपी को रीलोड करते हैं तो यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेसेस जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं आईपी एड्रेसेस चेंज होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी सिंगापुर से कनेक्ट हो चुका है और आपकी आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो चुकी है। अब गूगल डॉट कॉम ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गूगल डॉट कॉम है ओपन हुआ है वो भी सिंगापुर का हुआ है, गूगल डॉट कॉम डॉट एस जी, यानी कि ये गूगल डॉट कॉम आपका इंडिया का नहीं है, ये सिंगापुर का जो गूगल डॉट कॉम है वो है। तो इस तरह से आपने सिंगापुर लोकेशंस को चेंज करके यानी कि अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया है। अब आप कुछ भी करते हैं तो वहां पे आपकी ये वाली आईपी एड्रेस जाएगी, ना कि आपकी रियल ओरिजिनल आईपी एड्रेस। तो गाइज इस तरह से आप अगर दूसरी कंट्री को चूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप दूसरी कंट्री को भी चूज कर सकते हैं। यहां पे चलिए वापस से चलते हैं और मैं क्या करता हूं किसी और कंट्री को ले लेते हैं, चलिए नीदरलैंड ले लेते हैं। नीदरलैंड पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये नीदरलैंड से कनेक्ट करने की आपकी कोशिश करता है और उसके बाद आपको नीदरलैंड की किसी सिटी की आईपी आपको प्रोवाइड कर देता है। चलिए देखते हैं नीदरलैंड से कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो ये कनेक्ट हो रहा है नीदरलैंड से, फिलहाल नीदरलैंड से कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो गया है। अब हम वापस से इसको रीलोड करते हैं व्हाट इज माय आईपी डॉट कॉम को, देखते हैं आईपी एड्रेस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आईपी एड्रेस वापस से चेंज हो गई है और ये एम्स्टरडैम नीदरलैंड की आईपी कलेक्ट जो कैच कर रहा है। तो इस तरह से गाइज आप वीपीएन का यूज करके जो भी कंट्री हो उसका आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं, एक कंडीशन ये है कि वो पेड वीपीएन होना चाहिए। अगर बात करते हैं आप बहुत लोगों में से, आप लोगों में से बोलेंगे कि क्रैक वीपीएन भी तो हम यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ क्रैक वीपीएन बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी बहुत पहले करा हुआ है क्रैक वीपीएन यूज़, तो लोग करते हैं। बट उसका एक निगेटिव साइड ये है कि क्रैक वीपीएन में ट्रोजन्स, रैट्स, ये सब बाइंड करके कोई भी आपको दे सकता है मैलवेयर वायरस जो कि आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को और आपके प्राइवेसी को भी इफेक्ट कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है वो आपको इनक्रिप्टेड कनेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे, हो सके वो जो आपका क्रैक वीपीएन है उसका जो रूट है, टनल है, वो हैकर्स के मशीन से होके गुजरता हो, हैकर्स के आईपी एड्रेस से होके गुजरता हो, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो भी बिल्कुल ख़त्म है, आपके जो भी डेटा है वो भी आपको जो है वो पूरा सेफ नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से गाइस आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक कोई सा भी पेड वीपीएन यूज़ करें, कोई सा भी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा प्योर वीपीएन, आप कोई सा भी पेड वीपीएन यूज़ करें। फिलहाल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ प्योर वीपीएन क्योंकि ये काफ़ी चीप भी है, काफ़ी सस्ती है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन के साथ है। जब आप इसके सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, स्ट्रीम, सिक्योरिटी, फाइल शेयरिंग का मोड, एडवांस ऑप्शन में जाके ये आपको बताता है और आपको इनेबल करता है कि IPv6 लीक प्रोटेक्शन भी आप यूज़ कर सके। उसके बाद आप इसमें VPN हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि आप इसका खुद का हॉटस्पॉट स्टार्ट कर सकते हैं। स्प्लिट ट्यूनलिंग करके आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐप आपके VPN के IP एड्रेस को यूज़ करेगा और बाकी ऐप्स नॉर्मल IP एड्रेस को यूज़ करेंगे। तो ये सारे इतने फंक्शंस इसमें दे रखे हैं। तो गाइज आई होप आपको ये मज़ेदार लगेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप समझ गए होंगे कि कैसे प्योर VPN यानी कि कोई भी VPN यूज़ करना है। तो आप कोई भी VPN यूज़ करने के लिए सिंपली गूगल में जाइए, उसका नाम सर्च कीजिए, उसके डाउनलोड पे जाइए और आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। फिलहाल अगर आपको कोई VPN यानी कि प्योर VPN या कोई सा VPN आपको बाय करनी है तो फिलहाल मैं प्योर VPN यूज कर रहा हूं। तो अगर आपको प्योर VPN बाय करनी हो या फिर आपके ऊपर है सब कुछ तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्योर VPN बाय कर सकते हैं। आपको फिलहाल अभी कम रेट में इस मिल जाएगा क्योंकि अभी रेट बहुत ही कम चल रही है और काफ़ी अफोर्डेबल होती है यानी कि $2 समथिंग ऐसे प्राइस होते हैं। तो वो आपके ऊपर है, करना चाहे बाय तो कर ले, नहीं करना चाहे तो बिल्कुल भी ना करें। और आप फ्री VPN भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि उसमें बैंडविड्थ और कंट्री रेस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये VPN वर्क करता है, मैंने आपको बता दिया कैसे आप IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब जो IP एड्रेस है वो चेंज हो जाएगी, अब IP एड्रेस आपने जो है वो चेंज करके और आप कोई सा भी वर्क कर सकते हैं, कोई सा भी चीज़, आपकी जो रियल IP एड्रेस है कभी भी नहीं जाएगी वहाँ पे और आपकी जो फेक IP एड्रेस यानी कि चेंज IP एड्रेस है वो ही जाती है। तो इसका यूज़ आप सिक्योरिटी पर्पज से भी कर सकते हैं एक तरह से, और कभी भी इसका गलत इस्तेमाल ना करें क्योंकि अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप एक क्राइम, एक क्रिमिनल के
अंदर में आ जाते हैं, क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आप आई होप ऐसा करना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों ये था आईपी एड्रेस और प्योर वीपीएन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, यानी कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्योर वीपीएन यानी कि वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप अपने आईपी एड्रेसेस को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मज़ेदार लगी होगी वीडियो, जाइए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप पेड वीपीएन यूज़ करना चाहते हैं तो क्रैक यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल कीजिए, और अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप गूगल कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।